वहीं कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदर्श आचार संहिता के नियम और चुनाव में प्रचार प्रसार से जुड़ी जानकारी साझा की। कलेक्टर विनय कुमार ने बताया कि जिले में कुल 2,06,626 मतदाता है। कोरिया जिला कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर और मतदान 7 मई को संपन्न होगा। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 3 बजे, उसके बाद जो पूरा शेड्यूल शेयर किया गया है उसके अकॉर्डिंगली छत्तीसगढ़ राज्य के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 फेज में चुनाव होना है। और यदि मैं हमारे संसदीय क्षेत्र जो कि कोरबा आता है उसकी बात करूँ, 3rd फेज में इसका जो चुनाव होना है। इसका पूरा शेड्यूल ऐसा है कि जो अधिसूचना की प्रकाशन जो होना है कोरबा संसदीय क्षेत्र के लिए वो 12 अप्रैल को रहेगा। नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 अप्रैल को रहेगी। नामांकन पत्रों की जो समीक्षा है वो 20 अप्रैल को रहेगी। नाम वापसी की तिथि जो है वो 22 अप्रैल की है। मतदान की जो तिथि है वो है 7 मई की। उसके बाद जो काउंटिंग का जो तिथि है वो 4 जून जो कि बेसिकली बुधवार है, इस दिन रहेगी। इसके साथ ही जो विस्तृत गाइडलाइंस है आदर्श आचार संहिता की, जैसे आपको पता है कि घोषणा होगी अभी पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता जो प्रभावशील होगी है, इसके संदर्भ में जो डिटेल्स हमारे जो डूज एंड डोंट्स हैं वो हमने साझा कर दी हैं अपने अधिकारियों के साथ भी, और जस्ट इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक भी है उनके साथ भी शेयर कर देंगे। हमारे कोरिया जिले के यदि मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे 2 लाख प्लस जो हमारे मतदाता जो हैं जो कि हमारा मतदाता सूची में है, और अधिक संख्या जो महिला मतदाताओं की है। प्रयास ये भी रहेगा कि पिछले जो लोकसभा का हमारा चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा ही वोटिंग परसेंटेज इस बार के हमारे लोकसभा चुनाव में रहें। इसके लिए हमारी जो मल्टीपल टाइम्स की ट्रेनिंग होगी वो भी होगी है, और इसके लिए हमारे ओवरऑल नोडल जो है वो सीओ जिला पंचायत भी है, और माइक्रो प्लान हमने ऑलरेडी बनाना तैयार कर दिया है कि जिन क्षेत्रों में हमारी वोटिंग परसेंटेज कम रहती है वहाँ पे कैसे बढ़ाया जाए। ओवरऑल प्रयास यही रहेगा जिला प्रशासन का कि एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टीज को प्रोवाइड करनी है और निष्पक्ष होकर चुनाव कराना है, और इसमें इस बड़े अभियान में आप सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा।